रिया हो गई बेहोश और हॉस्पिटल में डॉक्टर देंगे रिया की प्रेगनेंसी की खबर, जिसे सुनकर खिसक जाएगी प्राची के पैरों तले जमीन और सिद्धार्थ यानी की सिड़की होगी वापसी, जो करेगा सबसे बड़े राज का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्राची अपना सारा सामान लेकर शाना के घर चली जाएगी, तभी रणबीर का साथ देने वाला एम्प्लॉय रणबीर को प्राची की जगह की फोटो भेजेगा और शाना के घर को देखकर रणबीर के होश उड़ जाएंगे, जिस वजह से रणबीर खुद रिया की उसकी खुशी प्राची से मनाने के लिए जाएगा शाना के घर। जहाँ पर रणबीर शाना के घर के दरवाजे पर जब पहुँचेगा और शाना प्राची को कहेगी कि रणबीर आया है, तब प्राची के होश उड़ जाएंगे और प्राची कहेगी उसे भेज दो और कह दो कि मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। तब घर के बाहर दरवाजे पर रणबीर कहेगा कि प्राची, तुम जो मेरे और रिया के बारे में समझ रही हो वो बिल्कुल गलत है और मैं इसे ही प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, और आई एम डैम श्योर कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब आज ही और अभी के अभी मिल जाएंगे। यह सुनकर जब प्राची दरवाजा खोलेगी और रणबीर जब प्राची को रिया के डिवोर्स पेपर दिखाते हुए कहेगा कि देखो प्राची, मैंने अपने और रिया के डिवोर्स पेपर पर रिया के सिग्नेचर करवा लिए हैं और अब हम दोनों अपनी एक नई अलग दुनिया बसा सकते हैं जिसमें सिर्फ तुम होगी और मैं होऊंगा, लेकिन ये सब अभी के अभी मुझे पूरे परिवार के सामने कहना है, इसीलिए प्लीज प्राची तुम मेरे साथ हमारे घर पे चलो। तब ये सुनकर जब प्राची रणबीर के साथ घर जाएगी और रणबीर प्राची को पार्टी में सबके सामने प्रपोज करने ही वाला होगा, तभी रिया सीढ़ियों से उतर कर रणबीर प्राची को एक देखेगी और अचानक से रिया रणबीर का नाम लेकर बेहोश हो जाएगी, जिसे देख कर रणबीर प्राची पल्लवी और विक्रम के होश उड़ जाएंगे। लेकिन जब पल्लवी और आलिया रिया को लेकर प्राची रणबीर और विक्रम पूरा परिवार हॉस्पिटल जाएगा और डॉक्टर जब रिया को देखेंगे और रिया का चेकअप करेंगे और जब बाहर आएंगे और विक्रम और सबको कहेंगे कि अब आप लोग अपने चेहरे पर स्माइल लाइए क्योंकि गुड न्यूज है, रिया इज प्रेग्नेंट, तभी विक्रम, दीदा, पल्लवी, आलिया सबके होश उड़ जाएंगे और प्राची रणबीर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और रणबीर को अपने आप पर ही विश्वास नहीं होगा कि रिया ऐसे कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन प्राची को रिया की प्रेगनेंसी की वजह से रणबीर पर सीधे धोखे का शक जाएगा और प्राची को एहसास होगा कि उसने कुछ दिन पहले रिया को रणबीर के साथ देखा था और इसीलिए हो सकता है कि रिया के पेट में बच्चा और किसी का नहीं बल्कि रणबीर का है। लेकिन जब रिया होश में आएगी और पल्लवी आलिया काफी खुश होकर रिया को गले लगाएगी और कहेगी कि थैंक यू सो मच रिया, तभी यह सुनकर रिया कहेगी किस लिए, तभी पल्लवी कहेगी मुझे दादी बनाने के लिए और तुम प्रेग्नेंट हो। यह सुनकर रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और एक पल के लिए रिया को भी कुछ समझ नहीं आएगा कि वो ऐसे कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन तभी रिया को हनीमून का याद आएगा और एहसास होगा कि शिमला में हनीमून मनाने के लिए जब रिया ने बड़ी चाल चली थी तभी उसकी बड़ी चाल नाकामयाब हो गई थी और रिया ने सिड के साथ हनीमून मना लिया था, इसीलिए रिया को एहसास होगा कि उसके पेट में और किसी का नहीं बल्कि सिड का बच्चा है। और लेकिन रिया के पेट में बच्चा और किसी का नहीं बल्कि रणबीर का है, यह सबको यहाँ तक कि प्राची को भी लगने की वजह से रिया अपने पेट में पल रहे सिद्धार्थ के बच्चे को नहीं गिराएगी और अपने पेट में सिद्धार्थ के बच्चे को प्राची को रणबीर से दूर करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह उपयोग करेगी, जिस वजह से रिया की असली सच्चाई सबके सामने लाने के लिए अब सिद्धार्थ यानी कि सिड की वापसी हो जानी चाहिए क्या नहीं, और आप सिड को वापसी करते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, और प्राची रणबीर पर शक करेगी तो रणबीर को ऐसी शक करने वाली बीवी को छोड़ देना चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कॉमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।